हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आई नो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे आपके लिए है कि कैसे 30 डेज में आप अपने सिलेबस को प्रॉपरली फिनिश ऑफ करें, कैसे रिवाइज करें और क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। नंबर वन, एंड आई नो जब आपके पास टाइम कम होता है तो आउट ऑफ एंग्जाइटी आप पूरे दिन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हो या आपका पढ़ने का मन ही नहीं करता है, तो उसके लिए भी आई हैव गॉट अ 4-step solution फॉर ऑल ऑफ यू। ये चीजें बहुत सिंपल है, इट्स जस्ट दैट इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस आप और भी ज्यादा फोकस फील करोगे और बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। इस वीडियो के अंदर हम दो चीजें कवर करने वाले हैं। नंबर वन इज गोइंग टू बी हमारा 30 डेज प्लान एंड नंबर सेकंड होगा हमारे 4 steps जो हमें हेल्पफुल होंगे हमारे पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करने में और फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट बेटर करने में। ऑलराइट, विद दिस लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू अनिष्का अनप्रेडिक्टेबल फॉर गिविंग द राइट आंसर फॉर द 2 words दैट आई आस्क्ड इन द लास्ट वीडियो। नाउ इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको देने वाली हूँ 2 words for giving the right answers of the words that I asked in the last video. Congratulations, and also congratulations to all of you for learning 2 new words. Okay, so aise hi hum har video ke saath kuch nayi nayi cheeze learn karenge. Moving forward, I would like to add more of general knowledge into the video so that jab aap ye video dekhkar hate you gain something out of it. All right, so quickly let's begin with the video. Is video ke andar bhi main aapko 2 words introduce karungi and aapko pata karna hai ki wo words kahan par use kiye gaye hain. Number 1 uska टाइमिंग लिखना है, नंबर सेकंड उसका मीनिंग लिखना है, नंबर थर्ड आपको उसे एक सेंटेंस में यूज करना है। नाउ दिस स्टेप इज न्यू। पहले बात करते हैं 30 डेज प्लान की, कैसे हम अपने सिलेबस को फिनिश करेंगे। ऑलराइट, क्विकली ग्रैब योरसेल्फ अ पेंसिल एंड अ पेपर ताकि हम जल्दी से अपनी सिलेबस मैपिंग कर लें। हियर आई एम डिवाइडिंग द एंटायर 30 डेज स्लॉट इनटू फर्स्ट 20 डेज, देन 21st टू 25th डे एंड 25th डे टू 30th डे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। नाउ 1 टू 20th डे, इन दिनों में हमें अपने चैप्टर्स को पढ़ना है, हमें अपने सिलेबस को खत्म करना है। अब खत्म किस तरह से करेंगे? सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स का आपको पेयर बनाना है, मतलब कि अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं जो आपके लिए इजी है, उसके साथ आप पेयर करेंगे एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट लाइक साइंस। ओके, दो सब्जेक्ट को आप पेयर करेंगे, ऐसे ही आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को पेयर कर लेंगे। मे बी मैथ्स के साथ आपने सोशल साइंस ले लिया या मैथ्स के साथ हिंदी ले लिया, सोशल साइंस के साथ आपने एनी अदर सब्जेक्ट, इस तरह से आप पेयर कर लेंगे। अगर आपके 6 subjects है या 8 subjects है, जितने भी सब्जेक्ट है, आप सबसे पहले उन्हें पेयर कर लेंगे। राइट, पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3 एंड पेयर 4, इस तरह से हम पेयर कर लेंगे अगर हमारे पास 8 subjects है तो। ठीक है, अब हम एक दिन के अंदर 2 subjects कवर करेंगे। नाउ फर्स्ट सब्जेक्ट जो हम करेंगे वो होंगे फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में, एंड सेकंड सब्जेक्ट हम करेंगे द सेकंड हाफ ऑफ द डे में। जो हम फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में सब्जेक्ट करेंगे वो होना चाहिए या तो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या ऐसा सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल लगता है। सेकंड पार्ट ऑफ द डे में हम वो सब्जेक्ट कवर करेंगे जो आपको ईजी लगता है या थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। ऐसे करके हम फर्स्ट टू फोर्थ डे विल डू सब्जेक्ट नंबर 1 एंड 2, 5th to 8th डे होगा हमारा सब्जेक्ट नंबर 3 एंड 4, 9th to 12th डे होगा सब्जेक्ट 5 एंड 6। Now, before allocating other days, you have to decide if maths is your Achilles heel or is science is the Achilles heel. 13th to 16th day mein humne pick kiya, for example, subject number 1 and 2 again. And 17th to 20th day mein humne pick kiya subject number 3 and 4. Is tarah se humne, agar hum every day ek subject ko 4 hours de rahe hain, so that means humne 16 hours diye ek subject ko for 4 days and again humne usse 16 hours diye. That means 32 hours we are giving to a subject. So you can plan your studies accordingly. Now, once that is done, we move to the नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 16th डे टू 20th डे। ये वो दिन है जब आपको अपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। राइट, तो आपको एक दिन के अंदर यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 1 paper। किस तरह से आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, इज वेरी सिंपल। आपको लास्ट कुछ ईयर्स के सैंपल पेपर्स को देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनके एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि अगर एक चैप्टर है जिसके अंदर से, एक टॉपिक के अंदर से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को आपको एक नोटबुक में लिख लेना है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि नाउ यू गो बैक टू द सैंपल पेपर एंड यू सॉल्व अ सैंपल पेपर। नाउ सैंपल पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं, कभी भी एक दिन में एक से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व करना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। नाउ द प्रोसेस इज कि सबसे पहले आपने पेपर को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपने उसके आंसर की के साथ मैच किया, मैच करने के बाद आपने गैप्स आइडेंटिफाई किए, गैप्स आइडेंटिफाई करने के बाद जहां आपको लगता है कि गैप्स आए हैं जिस टॉपिक के अंदर, उस टॉपिक को आपने एक नोटबुक के अंदर लिखा। इस नोटबुक के अंदर हम 2 important चीजें लिखेंगे,
नंबर वन, जहां जहां पर गैप्स आए हैं जिस टॉपिक में, उस टॉपिक के बारे में हम लिखेंगे नंबर वन। सेकेंड है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर पेपर में वो उस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी आप इस नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। नाउ इन 16th to 20th डे दैट मीन्स वी हैव 5 डेज एंड 5 सब्जेक्ट्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है आपके, उनका एटलीस्ट आपको 1 पास्ट ईयर पेपर सॉल्व जरूर करके देखना है, गिविंग योरसेल्फ एग्जाम लाइक सिचुएशन। नाउ वंस दैट इज डन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज 20th to 25th डे। 20th to 25th डे के अंदर आपको करना क्या है, ये जो नोटबुक के अंदर आपने क्वेश्चंस को लिखा है, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके देखना है नंबर वन। नंबर सेकंड, आपको एग्जैक्टली उसी पेयर में सब्जेक्ट्स को उठाना है और सब्जेक्ट्स को उठाने के बाद उनके कंसाइज नोट्स बनाने हैं। दैट मींस एवरी चैप्टर शुड हैव ओनली 1 पेज नोट्स, क्योंकि जब आप एक दिन पहले रिवाइज करोगे तो ये 1 पेजर नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, राइट। 1 पेजर नोट्स बनाएंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फ्रॉम 20th to 27th डे। नाउ अब बचे हमारे लास्ट के 3 दिन। इन लास्ट के 3 दिन में हम प्रिपेयर करेंगे फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट जिसका एग्जाम है। फॉर एग्जांपल्स After 30th day, that is the 31st day, हमारे पास है maths का exam. Last के from 27th to 30th day. इस time पे you don't have to get paranoid because आपने already सारे chapters को पढ़ लिया है, उन्हें revise कर लिया है, उनके concise notes बना लिए हैं, questions को solve कर लिया है past year paper को and अपनी गलती को भी identify कर लिया है. So there is no point getting paranoid about your exams right now. Now ये तो हुआ हमारा 30 day plan. अब हम जल्दी से चलते हैं कि कैसे हम इस 30 day plan को execute करेंगे. तो अब कैसे करना है हमें ये? Let's follow a 4-step formula. और वो क्या है? Step number 1 is timing everything that you do. अपने 30-day plan को बनाने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपका 30-day plan अच्छे से work करे, आपको हर चीज की timing करनी है कि आप सुबह उठते हो तो आपको तैयार होने में कितनी देर लगती है, आप तैयार हो जाते हो तो उसके बाद आप ठीक से पढ़ कितनी देर तक सकते हो, अगर आप इतने बजे तक पढ़ते हो तो आप कितनी देर तक सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हो, हर चीज को टाइम करके देखना है। क्योंकि अगर हमें राइट एस्टिमेशन ऑफ टाइम नहीं होगा तो हमारा बहुत सारा टाइम गलत कैलकुलेशन में निकल जाएगा। मतलब कि मैंने अपने आपको टाइम दिया है 1 आवर में मैं नहा लूंगी, ब्रेकफास्ट कर लूंगी, एक्सरसाइज कर लूंगी, पढ़ने बैठ जाऊंगी, जब भी रियलिटी में होता है टेक्स 2 आवर्स और आपको समझ नहीं आता कि आपका टाइम कहां पे गया है, राइट। सो आपको हर चीज को टाइम करना है सो दैट यू हैव द राइट एस्टिमेट ऑफ टाइम, नंबर 1। नंबर 2 जो आपको स्टेप में करना है वो है टू फाइंड द पॉकेट्स ऑफ टाइम। ऐसा होता है ना कि आपके पूरे दिन के अंदर आपके पास कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ टाइम है, जिससे मतलब 15 मिनट्स है, 20 मिनट्स है, हाफ एन आवर इधर फ्री है, हाफ एन आवर उधर फ्री है, जिसके अंदर अगर इमरजेंसी पड़ेगी तो आप उनको यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप अभी भी स्कूल जा रहे हैं, आपकी वेंटिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको पता है कि आपकी फूड ब्रेक और वी यूज टू कॉल इट रिसेस के बाद आपके पास 1 आवर स्पेयर है, या जाते ही आपके पास 30 मिनट्स है, या बस में आपके पास 30-40 मिनट्स कम्यूटिंग का टाइम है। ये छोटी छोटी पॉकेट्स ऑफ टाइम को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे पास कम टाइम होता है तो हम इनके अंदर भी कुछ काम को अलॉट कर सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग टू द सेकंड स्टेप एंड दैट इज यू नीड अ कैलेंडर एंड अ पीस ऑफ पेपर। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले पीस ऑफ पेपर पे आप लिखेंगे जैसे ही जो भी टास्क इन हैंड होगा। अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स का चैप्टर 1 चैप्टर 2 करना है, आपको लगता है कि आज आप सैंपल पेपर सॉल्व करना है, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। नाउ अब इस गोल को आप कैलेंडर में डालेंगे टू मेक इट पॉसिबल। रात को ही बिफोर यू स्लीप आप अपना टू डू लिस्ट बनाएंगे ऑन दिस पीस ऑफ पेपर। नाउ टू डू लिस्ट को आप कैलेंडर में भी डाल के सोएंगे बिफोर यू गो ऑफ टू बेड, सो दैट यू नो कि ये काम को आप कब अकम्प्लिश कर सकते हैं। नाउ कम्स द 3rd स्टेप। थर्ड स्टेप इज अबाउट शेड्यूलिंग एंड रीशेड्यूलिंग। तो क्या होता है ना, कई बार आपने लिखा कि 4 to 5 मैं अपने होमवर्क को फिनिश करूंगी, बट 4 to 5 कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क आ गया कि आप उसको नहीं कर पाए। अब क्या आप नेक्स्ट डे विदाउट डूइंग योर होमवर्क चले जाएंगे? नहीं। ऑल यू नीड इज अ स्ट्रॉन्ग रीशेड्यूलिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आपका पूरा टाइम टेबल आपके सामने होगा और 4 to 5 आप अचीव नहीं कर पाए हो तो आप उसे उठा के किसी और टाइमिंग में टाइम स्लॉट में डाल दोगे, राइट। सो अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम टेबल प्रैक्टिकल हो तो रीशेड्यूलिंग का उसके अंदर स्कोप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द 4th स्टेप, आपको इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जो भी आप टाइम टेबल या प्लान बनाए वो फ्लेक्सिबल हो, वो इजी टू स्टार्ट हो। ऐसा ना हो कि इतनी सारी चीजें आपने रख दी कि स्टार्ट करने से पहले मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, तो आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। एवरीथिंग शुड बी इजी टू स्टार्ट। मतलब अगर आपको स्टार्ट करना है मैथ्स से, सो मे बी 2 प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स, ओके, इट शुड बी एज इजी एज दिस टू गेट इन टू द फ्लो। यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ व्हेन यू हैव नॉट डन द वर्क। यू कैन नॉट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ कि आज मैं काम नहीं कर पाई, ओ आई एम अ लूजर, आई एम दिस। सी, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, एक या दो दिन मिस कर दोगे, बट डोंट मिस इट मोर। जहां पे आपने छोड़ा है वहां से पिक इट अप एंड स्टार्ट डूइंग इट अगेन। नंबर 4th इज आइडेंटिफाई द स्मॉल पॉकेट्स ऑफ टाइम।
पॉकेट्स ऑफ टाइम को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे दिन के अंदर आपके पास कौन से ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स अवेलेबल है जिसको आप जनरली वेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर हम इसे वेस्ट नहीं करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम। तो ये था हमारा 4-स्टेप फॉर्मूला एंड 30-डेज प्लान। आई होप कि आप ये दोनों चीजों को अप्लाई करके 30 डेज बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। नाउ इज द टाइम फॉर द 2 वर्ड्स दैट आई हैव यूज्ड इन द वीडियो। नंबर 1 इज पैरानॉइड एंड नंबर 2 इज अकिलीज हील्स। इन दोनों वर्ड को ढूंढिए, उसका टाइम बताइए एंड ऑल्सो उसको एक सेंटेंस में यूज करिए इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो टू गेट द शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, एंड आई विश अनिष्का अनप्रेडिक्टेबल अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर योर एफर्ट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सुपर डुपर प्रोडक्टिव। बाय बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।